हेलो स्टूडेंट्स, ब्लूप्रिंट में आपका स्वागत है। मेरा नाम अनु शर्मा, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं, परमाणु के अंदर क्या क्या होता है, उसके अंदर नाभिक होता है, इलेक्ट्रॉन, वही सब चीज़ों की हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो परमाणु नाभिक के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया थदरफोर्ड मॉडल के अनुसार, नाभिक के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ये परमाणु नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। अब जो परमाणु नाभिक का द्रव्यमान होता है वो किसकी वजह से होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से होता है। परमाणु नाभिक का द्रव्यमान न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है और इनको हम न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। और परमाणु नाभिक के ऊपर जो आवेश होता है वह प्रोटॉन की वजह से होता है, जो कि धनावेश होता है। और न्यूक्लियॉनों की जो कुल संख्या होती है वो किसी परमाणु के परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या के बराबर होती है। इस तरीके से जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु की एक निश्चित संख्या होती है, वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है और परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। कोई भी उदासीन परमाणु के अंदर जो परमाणु क्रमांक होता है उसके बराबर प्रोटॉनों की संख्या होती है और परमाणु क्रमांक के बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, जबकि परमाणु उदासीन है। अब किसी परमाणु को प्रदर्शित करने के लिए ये एक्स होता है, यहाँ से इसके नीचे की तरफ यहाँ जो संख्या लिखी होती है उसको हम बोलते हैं परमाणु क्रमांक, और जो ऊपर की तरफ लिखा हुआ होता है उसको बोलते हैं परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु क्रमांक, इस तरीके से हम न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। जैसे हीलियम होता है, हीलियम को प्रदर्शित करने के लिए हम 2HE4 लिखते हैं। तो ये जो संख्या 2 है ये इसका परमाणु क्रमांक होता है, ये संख्या 4 जो है ये इसका परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या होती है। कार्बन को 6C12 लिखते हैं, 6 संख्या जो होती है इसका परमाणु क्रमांक होता है और 12 संख्या जो होती है इसका द्रव्यमान संख्या होती है। नाइट्रोजन को 7N14 लिखते हैं, 7 संख्या जो होती है परमाणु क्रमांक होती है, 14 संख्या जो होती है वो परमाणु भार होती है। ऑक्सीजन को 8O16 लिखते हैं, 8 संख्या जो होती है परमाणु क्रमांक होती है और 16 संख्या जो परमाणु द्रव्यमान होती है। सोडियम को 11Na23, 11 संख्या परमाणु क्रमांक, 23 संख्या द्रव्यमान संख्या। मैग्नीशियम को 12Mg24, 12 संख्या परमाणु क्रमांक और 24 संख्या द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार होता है। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार द्रव्यमान संख्या दी हुई है। इसके अंदर हमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। तो परमाणु क्रमांक जो होता है वो प्रोटॉनों की और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। सूत्र में मैंने बताया था जो परमाणु क्रमांक की संख्या होती है वही संख्या प्रोटॉनों की होती है और वही संख्या इलेक्ट्रॉनों की होती है। तो एल्यूमिनियम के अंदर प्रोटॉन हो गए 13, इलेक्ट्रॉन हो गए 13 और न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है वो द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक होता है, यानी कि 27-13 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। किसी अधातु के ऋणायन एक्स माइनस में 18 इलेक्ट्रॉन हैं, अधातु का द्रव्यमान संख्या 35 है, तो यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो इसके अंदर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले न्यूट्रॉनों की संख्या का सूत्र क्या होता है। न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए परमाणु भार में से परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर हमें परमाणु भार द्रव्यमान संख्या दी हुई है 35 और इसमें से परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या माइनस कर देते हैं या इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस कर देते हैं। तो परमाणु भार दिया हुआ है 35, इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक माइनस कैसे करेंगे, कितना होगा। तो यहाँ पर ऋणायन के अंदर एक्स माइनस एक निगेटिव चार्ज दिया हुआ है और इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं 18, तो एक्स माइनस के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है निगेटिव चार्ज की फॉर्म में, तो हमें प्रोटॉनों की संख्या निकालनी है। प्रोटॉनों की संख्या निकालेंगे तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे, एक निगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो 18 माइनस 1 17 प्रोटॉन हो जाएंगे, तो यह आ जाएगा आपका
परमाणु भार कितना दिया हुआ है 35, 35 और इसमें से परमाणु क्रमांक निकाल देंगे 17, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी 18। अब आपको तीन तत्व दिए हुए हैं, सोडियम, फास्फोरस और क्लोरीन। इन तीनों के परमाणु क्रमांक दिए हुए हैं, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, फास्फोरस का 15 और क्लोरीन का 17। तो इनके आयन यानी Na+ के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये बताना है। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 था, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 थी, तो एक धनावेश आने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 11-1=10। फास्फोरस के ऊपर कोई आवेश नहीं है तो इसको हम ऐसे कैसे लिख देंगे, ये हो जाएगा 15। और क्लोरीन के ऊपर एक ऋणावेश दिया हुआ है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 17+1=18। इसके अलावा अगला क्वेश्चन, परमाणु क्रमांक दिया हुआ है एक्स का परमाणु क्रमांक, समान परमाणु भार के दो तत्व हैं, दोनों के परमाणु भार जो हैं समान है, समान परमाणु भार के दो तत्व दिए हुए हैं जिनकी परमाणु क्रमांक संख्या 20 और 22 है। दोनों का परमाणु भार x और y का समान है और परमाणु क्रमांक 20 और 22 दिया हुआ है। तो x के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या 26 दी हुई है, तो y के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो इसमें क्या करेंगे, दोनों का परमाणु भार समान है तो इसका मतलब पहले परमाणु भार निकाल लेते हैं। जो x का परमाणु क्रमांक 20, न्यूट्रॉनों की संख्या 26, तो x का परमाणु भार निकालेंगे कैसे आएगा, x का परमाणु भार यानी द्रव्यमान संख्या बराबर कितना, परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या 20+26=46 आ जाएगा, 46 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ रहा है सभी बच्चों को। यहाँ पर x और y के परमाणु क्रमांक दिए हुए हैं और परमाणु भार दोनों के समान दिए हुए हैं, और x के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या 26 दी हुई है तो y के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले x का परमाणु भार निकाल लेंगे, तो परमाणु भार दोनों का समान है तो x का परमाणु भार कैसे निकलेगा, 20x का प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या 26, तो ये आ गया 46, 46 आ गया। अब y का परमाणु भार कितना हो गया, y का परमाणु भार भी 46 हो गया क्योंकि दोनों का परमाणु भार समान है, तो y का परमाणु क्रमांक कितना हो गया 22, और इसके अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 46-22=24 हो जाएगी। इस तरीके से ये जितने भी न्यूमेरिकल हैं, जितने क्वेश्चन हैं, हम इनको किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, हम परमाणु क्रमांक किसके समान होता है, प्रोटॉनों की संख्या किसके समान होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके समान होती है, इन सभी फॉर्मूलों को, द्रव्यमान संख्या किसके समान होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, इन सभी को याद रखेंगे और उसके ऊपर अप्लाई करने से डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।